ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईएमआई। ओके, सो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। और तो इस फार्मूले में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप देख रहे होंगे इस फार्मूले में कि हमारे पास एक वेरिएबल है ईएमआई, एक वेरिएबल है हमारे पास पी। तो पी क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल और लोन अमाउंट, राइट। ईएमआई क्या है जिसमें हम लोग ईएमआई निकालेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। पी इज प्रिंसिपल अमाउंट या जो हमने लोन लिया है वो। आर इज व्हाट, आर इज द रेट। तो हमने आर जो स्मॉल आर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द मंथली इंटरेस्ट रेट। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट होगा वो ईयरली हो सकता है, तो उस ईयरली इंटरेस्ट रेट से हम लोग क्या निकालेंगे, मंथली इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो हम लोग एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा कैपिटल आर, जो कैपिटल आर होगा हमारा फॉर दैट मंथ ईयरली इंटरेस्ट रेट के लिए। फिर है हमारा एक वेरिएबल यहाँ पर स्मॉल आर, जो मैंने आपको अभी बताया स्मॉल आर को हम लोग यूज़ करेंगे मंथली इंटरेस्ट रेट के लिए। और एक वेरिएबल है हमारा यहाँ पर स्मॉल एन, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे टाइम के लिए। ओके, सो एन इज़ द नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो। विद दिस फॉर्मूला हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। ओके फ्रेंड्स, तो हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला जो आपको शेयर किया था वो यहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो सारे कमेंट्स हैं, मैंने ये कमेंट्स यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, राइट। सो दीज आर माई कमेंट्स और इन कमेंट्स के साथ में मैंने ये फार्मूला यहाँ पर रख दिया है। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम बनाना। तो हैज़ इंक्लूड, स्टूडियो डॉट एच, हेडर फाइल ऐड हो गई है, मेन फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे अपने वेरिएबल। तो हम लोग सारे वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लोट पी कोमा आर कोमा एन कोमा कैपिटल आर, राइट। तो ये हमारे सारे वेरिएबल हो गए हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या इनपुट कराएंगे, यूज़र से क्या क्या इनपुट्स होंगी हमारे पास। तो हमारे पास पी इनपुट होगा, स्मॉल आर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल आर हम लोग यहाँ पर इनपुट करा रहे हैं ईयरली इंस्टॉलमेंट के लिए, ईयरली रेट, राइट। और एन जो हमारा नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स है उसको हम लोग इनपुट कराएंगे यूज़र से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैसेज के साथ में इनपुट करा लेते हैं। ओके, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर ये टाइप कर लिया है, इसमें मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने यूज़ कर लिया फंक्शन में, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर करा लिया है और इंटरेस्ट रेट एंटर करा लिया है कैपिटल आर में, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अभी स्मॉल आर में, और हमने यहाँ पे मंथ्स भी एंटर करा लिए। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पर अब हम लोग स्मॉल आर कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल आर का फंक्शन मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम लोग R इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइड बाई 12 इंटू 100, राइट। तो ये हमने मंथली कैलकुलेट करा लिया, बिल्कुल इजी है ये। इसमें क्या किया हमने कि जो हमारी ईयरली रेट था उसको हमने मंथली रेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे अपना ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको इसमें बहुत बढ़िया फंक्शन लगा के दिखा रहा हूँ। सी लैंग्वेज में एक फंक्शन होता है पावर, राइट। हम लोग डायरेक्टली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें, तो उसको कैसे करते हैं, बट उसके लिए हमें एक और हेडर फाइल यूज़ करनी होती है जिसका नाम होता है मैथ डॉट एच, तो उसमें वो फंक्शन होता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग वो हेडर फाइल भी यूज़ कर लेते हैं, एज इंक्लूड मैथ डॉट एच, राइट। अब यहाँ पर हम लोग वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं पावर का, नहीं तो हमें यहाँ पे क्या करना होता, 1 प्लस आर ये सब चीज़ें करके इनकी पावर जो निकालते उसको जितनी पावर हम देते उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता, तो
उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एक फंक्शन यूज़ करेंगे, सी लैंग्वेज का पावर फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। और अब हम लोग ने एक वेरिएबल और लेना था जो हमने नहीं लिया, दैट इज़ EMI। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, अब लेते हैं EMI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू, अब हम लोग यहाँ पर देखिए जो हमारा फॉर्मूला था 1+r^n, तो यहाँ पर हम लोग अब यूज़ करेंगे पावर फॉर्मूला। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को लिखना होता है POW पाव, ये होता है पावर का फंक्शन। और यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे इसको, तो इसमें क्या होता है 1+r कोमा लगा के जितनी उसकी पावर होती है वो यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं। तो पावर कितनी होगी हमारी n, तो 1+r^n। तो इस जो पावर वेरिएबल जो हमारा पावर फंक्शन होता है इसमें हम लोग दो पैरामीटर पास करते हैं, एक तो होता है हमारा नंबर, तो 1+r इज़ द नंबर और n इज़ द पावर यहाँ पर। तो इसमें हमारे दो पैरामीटर होंगे, फर्स्ट पैरामीटर इज़ नंबर एंड सेकेंड पैरामीटर इज़ पावर, लाइक दिस। अब दिस इज़ डिवाइड नाउ 1+r^n-1 अगेन। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे लाइक दिस अगेन पाव फंक्शन 1+r कॉमा और उसकी पावर है n-1, तो पावर हम लोग n-1, सिंपल। ये हमारा फंक्शन लग गया यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब हम चलते हैं इसको प्रिंट कराने के लिए। तो हम लोग अब यहाँ से प्रिंट कराएंगे EMI, जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट कराएंगे, राइट। तो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड देन रिटर्न 0, इंटीजर वेरिएबल रिटर्न कर दिया। तो ये बन गया हमारा EMI कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल प्रोग्राम। अब हम लोग करके देखते हैं इसको कंपाइल, तो F9 एंड कंपाइल। तो हमने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, तो ये हमसे पूछ रहा है सेव करने के लिए पहले, तो मैंने इसको EMI नाम से सेव कर दिया प्रोग्राम को। अब ये होता है कंपाइल, तो लेट्स सी। सबसे पहले हमें एरर मिल गई क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं यूज़ किया, तो ये हमारी एरर हो गई। अब हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे, यस, सो नाउ नो एरर, कंपाइल हो गया, एरर इज़ 0, वार्निंग इज़ 0 और exe फाइल इज़ क्रिएटेड। अब हम इसको करेंगे रन, तो F10 एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैंने सपोज 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, वो मैंने एंटर कर दिया। सेकेंड इज़ एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट डालना है, मंथली इंटरेस्ट रेट हमारे फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट है हमारा 21%, एंटर। एंटर द नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए, तो मैंने बोला 24 मंथ्स के लिए, एंटर। नाउ यू कैन सी द EMI इज 178.06250, दिस इज कैलकुलेटेड। तो दिस इज कॉल्ड पावर फंक्शन एंड दिस इज़ द सिंपल फंक्शन ऑफ EMI कैलकुलेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी सा था और बस इसमें हमने एक नई चीज़ यूज़ करी जिसका नाम है पावर फंक्शन। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो पावर फंक्शन हम जब भी यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे ऊपर math.h क्लास को, लाइब्रेरी को इंक्लूड ज़रूर करना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, इफ़ यू लाइक तो शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।